नमस्कार दोस्तों, आपका MB's गणेश देवीगढ़ में स्वागत है। तो चलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं प्लेट अर्थिंग के बारे में। प्लेट अर्थिंग एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें मुख्य इलेक्ट्रोड के रूप में कॉपर या GI से बनी एक अर्थिंग प्लेट का उपयोग किया जाता है। इस प्लेट को पृथ्वी के अंदर गहराई में एक विधि के अनुसार स्थापित करते हैं। इस प्रकार प्लेट के उपयोग से हमें जो अर्थिंग प्राप्त होती है उसे ही प्लेट अर्थिंग के नाम से जाना जाता है। अधिकतर इस प्रकार की अर्थिंग ऐसे स्थान पर ज़्यादा उपयोग की जाती है जहाँ पृथ्वी के भीतर की नमी की मात्रा कुछ अधिक हो और ज़्यादा मात्रा की मशीन या उपकरण को अर्थिंग करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की अर्थिंग से पावरफुल अर्थिंग प्राप्त की जा सकती है। प्लेट अर्थिंग के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है जिसकी सूची इस प्रकार है। अर्थिंग प्लेट 60 सेमी × 60 सेमी लंबाई या चौड़ाई और 3.15 मिलीमीटर मोटाई। अर्थिंग वायर 8 स्टैंडर्ड वायर गेज GI वायर। अर्थिंग पॉइंट अर्थिंग पाइप 12 × 7 अर्थिंग पॉइंट 12.7 मिलीमीटर व्यास गैल्वनाइज्ड आयरन। GI वाटर पाइप 19.5 मिलीमीटर व्यास जिसकी लंबाई 1.2 मीटर हो। फनल तार की जाली के फिल्टर सहित। ढक्कन 30 सेमी × 30 सेमी। नमक डलेदार नमक। चारकोल कच्चा कोयला चूर्ण वाला। नट एव बोल्ट 50 मिलीमीटर × 8 मिलीमीटर। अर्थिंग प्लेट कैसे करते हैं देखते हैं। प्लेट अर्थिंग के लिए सभी सामग्री एकत्रित करने के बाद प्लेट अर्थिंग के करने के विधि अनुसार अर्थिंग करना चाहिए। प्लेट अर्थिंग करने की विधि बताती हूँ। प्लेट अर्थिंग करने के लिए सर्वप्रथम 90 × 90 सेमी लंबाई चौड़ाई वाला एक गड्ढा खोदा जाता है जिसकी गहराई 1.5 मीटर से 3 मीटर तक होनी चाहिए। यह गड्ढा नमी प्राप्त होने तक खोदे, लेकिन यदि 3 मीटर से अधिक गहराई के बाद भी नमी प्राप्त न तो गड्ढे की जगह बदलना चाहिए, अन्यथा अर्थिंग को नमी बनाए रखने के लिए भारी जल की आवश्यकता अधिक होगी और यदि नमी कम रहती है तो अर्थिंग के कमज़ोर होने की संभावना बढ़ जाती है। गड्ढा खोदने के बाद अर्थिंग प्लेट के साथ GI वायर को नट और बोल्ट की सहायता से टाइट कस दे और इस GI को 12.7 मिलीमीटर व्यास वाले पाइप के अंदर से गुजारे। गड्ढे के अंदर प्लेट को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखें और इस प्लेट के चारों ओर 15 सेमी मोटाई में चारकोल और नमक की पत्ते बिछाएं। पहले चारकोल, फिर नमक, फिर चारकोल, फिर नमक, इस क्रम में पत्ते बिछाते रहें। कुछ पत्ते बिछाने के बाद 19.5 मिलीमीटर व्यास वाले जेल पाइप को इन पत्तों के साथ रखें और बचे हुए कुछ चारकोल और नमक से निकाली हुई गड्ढे मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स कर ले और इस मिट्टी से गड्ढे की पूरी तरह भर दे। गड्ढे से निकले हुए जल पाइप के साथ ऊपर एक फनल लगा दे और गड्ढे के ऊपर इस फनल के चारों ओर 30 × 30 सेमी कंक्रीट का बॉक्स, उसमें कास्ट आयरन से बना कब्जे युक्त ढक्कन लगा दे। कंक्रीट बॉक्स सूख जाने के बाद फनल की सहायता से अर्थिंग में पानी डालें और अर्थिंग से निकला हुआ GI वायर आपका अर्थ वायर होगा। इसे आप अर्थिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। अर्थिंग सही से काम कर रही है या नहीं ये कैसे चेक करें। आपके द्वारा की गई अर्थिंग पावरफुल है या नहीं, सही से काम कर रही है या नहीं, इसे चेक करना आवश्यक है, अन्यथा आप यह सोचकर अब भी हो जाएंगे हमने तो अर्थिंग कर ली है, हमारी किसी भी मशीन से हमें कोई खतरा नहीं होगा, हमारे सारे उपकरण मशीन सुरक्षित है, और बाद में पता चलता है कि आपके द्वारा बनाई गई अर्थिंग का तो अर्थिंग प्रतिरोधी बहुत अधिक है और वह सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। इस समस्या से बचाव के लिए आपको अर्थ टेस्टर की सहायता से अर्थिंग को चेक करना चाहिए। यदि आपको अर्थिंग चेक करना नहीं आता है तो आप हमारा आर्टिकल पढ़ें जिसमें हम अर्थिंग अर्थ टेस्टर से कैसे चेक किया जाता है।